बाबर भाई आज मेरे को खिला लेना प्लीज। तीसरे मैच में भी नहीं खिलाया था, मैं बहुत बोला बहुत चिल्लाया, लेकिन भैया हार गया, मेरे को खिला लो। अगर नहीं खिलाओगे तो अल्लाह करे आज का मैच भी हार जाओ। अबे चुप कर ससुरे, तू फिर आ गया दिमाग खराब करने। यार हम इधर तेरे को खिलाने वाले नहीं है, चुप करके बैठ। पहले ही हम बहुत टेंशन में, और हमने इन प्लेयरों को प्लानिंग के लिए बुलाया है ताकि आज कैसे प्लानिंग करके न्यूजीलैंड से जीता जाए, इज्जत बचाई जाए। तो बाबर भैया जब खिलाना नहीं था तो प्लानिंग करनी थी, तो इन ससुरों को क्यों बुलाया? उधर देखो शान मकसूद भी आया, इसको भी खिलाने वाले हो क्या? हमने सोचा तुम हार्स और शान मकसूद को पता नहीं आज दोनों को खिलाने वाले हो, इसको लेके प्लानिंग कर रहे हो। रजवान मियां हमने तो इनको बताया ही नहीं कि हम इधर प्लानिंग करने वाले, हमने तो उनको बोला, वो ससुरी क्या ही नहीं, ये बीच में खामखा टपक पड़ा। पता नहीं इसको किससे पता चल गया, किसने बता दिया, ससुरा पीछे पड़ा है, हर बार बधवाएं देता है, हमको हराता है। अबे हार्स और ससुरी के जब तुमको प्लानिंग में बुलाया नहीं गया, क्यों बुलाएं भैया? तुम प्लेइंग 11 में नहीं हो तो अपने आप क्यों आए, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों फोकट में? भैया आपकी जगह नहीं बनती, हम पहले ही परेशान है, एक मैच हार गए, तुम प्लानिंग करने दो, जाओ इधर से। अबे बस्कर ससुरी के शताब खान, तेरे को नेप कैप्टन किसने बना दिया? प्लानिंग में सब होते हैं, 15-16 जो भी हो, क्या पता कब किसी की जरूरत पड़ जाए, प्लेइंग 11 में लिया जाए, लेकिन हमारी जगह बनती है, हमको खिलाओ यार, हमको नहीं पता तुम हार रहे, हमको खिलाओ। बाबर भैया ये ससुरा जान नहीं छोड़ेगा, कोई हल निकालो, मेरी मानो तो यार एक आधा मैच खिला लो, आज प्लेइंग 11 में नहीं रखो तो ससुरी से फोकट में फील्डिंग ही करवा लो, देखो फिर क्या करता, कोई कैच पकड़ता है या नहीं। अबे शताब खान ससुरी के ढंग से बोल, हम फील्डिंग नहीं करेंगे फोकट में, वैसे भी हम फील्डर थोड़ी, हम बल्लेबाज है ससुरी के, हम 5-10 गेंदे भी खेल जाए ना तो आधा शतक लगा सकते हैं, हमको खिलाना है तो सीधी तरह खिलाओ। अबे ससुरी के चुप कर हर्ष भैया, चलो यार तेरे को खिला लेंगे, पक्का खिला लेंगे, ओपनिंग पर भेजेंगे, अब जान छोड़ और चुप करके पीछे बैठ, हमको प्लानिंग करने दे, बहुत बेइज्जती हो रहा है, एक मैच हम क्या हार गए, इन बच्चों से दिमाग खराब हुआ है हमारा भी। बाबर भैया इसको खिलाओगे तो हमको भी खिलाना, भैया हमको क्यों नहीं खिला रहे हो, हम तो बहुत बढ़िया प्लेयर है भैया हम। अरे साहब तुम नाइंसाफी करते हो सर, असर हमको भैया खिलाते नहीं हो, इस मैच में हमको खिलाना, हमको नहीं पता। ले ससुरी के तू भी शुरू हो जा, शान मकसूद तेरी कमी थी, पता नहीं किसकी सिफारिश पर आ गया दिमाग खराब करने और चाटने। भैया अफगानिस्तान के खिलाफ तूने क्या झंडे उखाड़े, हार्स फिर भी बढ़िया खेला, अगर ज्यादा टेंडे करोगे दोनों में से किसी को नहीं खिलाओ। बाबर भैया शान मकसूद है सिफारसी, उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो, नहीं खिलाना तो उसको नहीं खिलाओ, मेरे को तो खिलाओ यार, पहले हाँ बोल के अब देखो, उसकी बात की सजा हमको मत दो, हम भैया सिफारिश पर नहीं, हम अपना खेल दिखा के अपने दम पर आए। अबे तुम दोनों चुप करो, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। बाबर भैया पहला दूसरा मैच मैं खेला, दोनों मैच हम जीते, तीसरे मैच में मेरे को नहीं खिलाया तो नतीजा देखा हार गए, अब इस मैच में मेरे को खिलाओ, इन दोनों को गोली मारो, फिर देखो पाकिस्तान कैसे जीतता है। अबे चुप करो ससुरी वालों, सारी प्लानिंग का सत्यानाश करके रख दिया यार, अब जाओ हम किसी को नहीं खिलाएंगे। ससुरी वालों वो बोलता मेरे को ये हो गया वो हो गया, दफा हो जाओ, किसी को नहीं खिलाएंगे, हम अकेले खेलेंगे और एक चाचा इफ्तिकार को अपने साथ ले लेंगे, मैं और चाचा ही न्यूजीलैंड के लिए काफी है, तुम बाहर बैठ के भैया केवल देखना हम कैसे बैट बजाते न्यूजीलैंड की। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।